भाजी देखो ये वाइट कप एक में हो सकता है और सुनाओ और ससी भाई शब्द तां गावो हरि केरा मंज नहीं वसाया कहे नानक नंद होवा मन ही करते हिरै करता तेरे सब कुछ है पीछे का लाइट चालू कर सदा सिद्ध सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जन कर मानो वसंता उतरे सोमी सच्ची वाणी संत साजन पए ससे पूरे गुटे जानी करमी आखो या बणी के नेड़े के दूर येनी नाम ते आया रे मुसर पिलार नानक मुख उजले गति झूठी मार श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी वाहेगुरु वाहेगुरु जी की फतेह बोले पापा जी सत श्रीकाल आ जाओ पापा जी खोदा हुआ है रास्ता सर सब तुम्हारा खोदा हुआ है फिर सत श्रीकाल जी सत श्रीकाल जी ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ उनको अंदर ले लूं बैडमैन यस दादा ए दादा पीछे से हेलो कैमरा में गुलशन सर थोड़ा पीछे सर सर आपके लेफ्ट में पंखा है पीछे
बोलो। चलो आगे आओ जाओ। आइए सर, आइए सर, आइए सर। कौन सर? आइए सर। सुंदर जी अरे क्या कर रहे आइए जाने दो जाने दो। आजो 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 संतु साहब से देखो सर Are you ready? Camera ready? Start sound. Rolling. Roll the camera. And clap. Travel agent, Mohra Shah, best of luck. Yes. कैमरा देखी एक मिनट एक मिनट कौन से गाना सर 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 एक रंजीत सर ये दोनों रंजीत रंजीत सर गॉट इट संधु साहब आज बेच आज ना आज तीन चार कल जल्दी आओ जल्दी थोड़ा अभी फोटो लें तो फिर ओनली कास्ट सर यहां पर भाई देखो इधर पीछे सेंटर सेंटर बंद बोल ओके थैंक यू सर ओके मेरी पढ़ाई होती हूँ मैं चलिया बाहर अपना देख लो मैं तो इतनी रह जाना तुम्हें बहुत जल्दी करना
बिल्कुल सही कह रही है पुत्र, बाहर जाके भी तो मेहनत मजदूरियां करोगे, ओही मेहनत मजदूरियां तुसी अपने देश विच करो जे तां बारे न्यारे ना हो। सियाणे भी कह गए हैं, जो सुख छज्जू दे चबारे ना बलख ना बखारे। सच आख्या तुसी वीर जी, जे सारे बच्चों की सोच एहो जी हो जाए फिर दिन दूर नहीं जो तो पंजाब फिर एक बारी हसता खेड़ता थे रंग ला का पंजाब हो जाए। क्यों समझे? आज वन सेकेंड गुरु होते ही नहीं जफी वाला भाई दादा आई आई ये सोलो सोलो ये नहीं चले लो कौन महापुरुष छपने वाला यही है पूरा शॉट है, केक कटिंग हो रहा है। मैम मैं बहुत खिलाओ खिलाओ जी हेलो हेलो जी खिलाओ दाढ़ी बचा के लो जी वाह शाबाश रंजीत भाजी के डायलॉग है हेलो आप सबको सुन के खुशी होगी सतेंद्र सिंह मथारू साहब इस पिक्चर के प्रोड्यूसर हैं और ये आपके सामने दो शब्द पिक्चर के बारे बोलेंगे। जी बोलिए प्लीज। ये फिल्म अपने ट्रैवल एजेंट है जिड़ी कि साड़ी घर घर की कहानी है, बच्चे अपने बाहर जाते हैं या उन्होंने विषय के उत्ते कहानी है, तो सानू बहुत खुशी हो रही है कि इसका कलैब जो है करम भाजी ने किया, होर भी महाराष्ट्र आई हैं जोनी जूर भाजी ने गुलशन जी आए हैं रंजीत जी आए ने, तो वो सारे जने सानू आशीर्वाद आपका दे के गए हैं, होर भी बहुत हस्तियां पहुंचियां, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता सारी प्रेस का कि ये जिस टाइम साड़ी ये फिल्म सिनेमा दे विच आऊगी तो तुसी बहुत प्यार दो सर। लेकिन सुपरस्टार फिल्म हाथों से आप क्लैप हुआ है, कितना एक्साइटमेंट है आपको? बहुत ज्यादा क्या बोला कहते धर्मजीत के बारे में? धर्मजीत है ये तो
ਵਿਸ਼ੇ ਪਤਾ ਮਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਤਾ ਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕਾ ਸੇ ਬਾਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਕੋ ਕਿਤਨਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਆਪ ਲੋਗ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਆਈਏ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫਿਲਮ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਔਰ ਵਿਦ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ UBS ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਨੂੰ ਬੱਕੜ ਜੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੱਬ ਕਰੇ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂੰ ਔਰ ਪੂਨਮ ਸੂਦ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਮਹਾਲ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਰਿਆਤ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਰੀਟੂ ਪੰਦੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਔਰ ਯੂਥ 'ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਔਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਛੱਡੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਲਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪੂਨਮ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਹੋਰ ਬਸ ਕੀ ਕਵਾਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲ ਗਏ ਆ ਗਈ ਪੂਨਮ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੀਟ ਹੋ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਟਾਈਮ ਕੱਢਦੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਲਮ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਲਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਕੋਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਜਿਸ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਹੋਣਾ ਸਰ ਇਸਮੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਨ ਬਗੜ ਵੋ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੈਸਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਬਸ ਆਪ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਇਹ ਸਭ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਕੇ ਬਾਰੇ ਬਤਾਏ ਫਿਲਮ ਮੇਂ ਕਿਆ ਰੋਲ ਹੈ ਆਪਕਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਗਰੇਵਾ ਅੱਜ ਬੰਬੇ ਆਈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਅੱਜ ਸਕਰੀਨ ਕੋਲ ਸ਼ਾਟ ਕੀਤਾ ਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਦਊਗੀ ਮੂਵੀ ਜੋ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿਓ अब आपके सामने इस फिल्म में बहुत इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं सुखविंदर जी आप आइए सर अपने रोल के बारे में बताइए क्या रोल है आपका मैं काफी कुछ बताऊंगा थोड़े में मैं आज से कोई 27-28 साल पहले वापस चला गया था उससे पहले मैंने यहाँ पर महाभारत टीपू सुल्तान कृष्णा जैसे बड़े बड़े परमवीर चक्र जैसे बड़े बड़े मैंने सीरियल किए हैं और उसके बाद यहाँ फिल्में भी की हैं लेकिन यहाँ से जाने के बाद उस वक्त मैं क्लीन शेव था जब यहाँ से गया और आज आपके सामने एक सरदार कंप्लीट सरदार आपके सामने खड़ा हुआ क्यों आजकल पंजाबी फिल्में जो बन रही हैं बहुत सारी बन रही हैं मेरा ख्याल है अभी तक मैंने टोटल अगर मिलाएं तो 350 के करीब छोटे बड़े सारे सब प्रोजेक्ट मैं कर चुका हूँ जिसमें हिंदी पंजाबी मलयालम तमिल तेलुगु और हरियाणवी फिल्म भी शामिल है सो मुझे आप सबसे गुजारिश है कि आप जैसे और फिल्मों को इतना बढ़ चढ़ के उनको एडवर्टाइज करते हो उनको हौसला बढ़ाते हो उनका
इस फिल्म के लिए, क्योंकि हम पंजाब से आए हैं और धर्म जी का हम पे बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने फुल आशीर्वाद दिया है, क्योंकि ही वो बेसिकली पंजाबी हैं, जाट हैं और समझते हैं आप, और आए हैं अपने भतीजे को आशीर्वाद देने के लिए। और ये मोहन भगड़ जी का बेटा इसमें लॉन्च हो रहा है, मैं इसके फादर का रोल कर रहा हूँ इसमें। और जहाँ भगड़ है वहाँ पे एक्शन भी होगा, ड्रामा भी होगा, हर तरह के सीन, हर तरह का प्रेम मतलब भर जाएगी। अब अगर आप में से कुछ मेरे से कुछ जानना चाह रहे हैं कुछ अलग से, क्योंकि वो रटा रटाया मैं नहीं बताऊंगा। रही बात ये ट्रेवल एजेंट, क्योंकि पंजाब खाली होता जा रहा है, सभी बाहर जा रहे हैं, कनेडा कनेडा कनेडा। सो हमने ये दर्शाने की कोशिश की है कि ट्रेवल एजेंट वहाँ पे अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं चाहिए कि लालच दे करके, जैसे बाहर पंजाब खाली होता जा रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको रोकने की, हर तरह से रोकने की। क्योंकि पंजाब आप सब जानते हैं ऐसी कोई कमी नहीं है उसमें, हर चीज है उसमें। हमारे पंजाब में जैसे फॉरेन कंट्री चले जाओ वहां पे या गर्मी है, गर्मी नाम की गर्मी होती है, सर्दी सर्दी सर्दी, पंजाब में हर ऋतु है, वहां पर गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, पतझड़ है, बहार है, एवरीथिंग देयर। वहां की हवा पानी सबसे बेहतर है, ये आप सब जानते हैं। हमने कोशिश की है कि ट्रेवल एजेंट फिल्म बनाने के इसके जरिए कि हर चीज को हम अच्छी तरीके से आप सबने सबके सामने, दर्शकों के सामने हम पेश करें। सो हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि आप हमारा प्रॉपर साथ देंगे। और हमारे को आर्टिस्ट हैं साथ में रंजीत रियाज शर्मा जी, ये भी एक बेहतरीन रोल कर रहे हैं इसमें, अभी ये बताएंगे आपके अपने बारे में। नमस्कार जी, मैं रंजीत रियाज शर्मा, मैं पिछले ऑलमोस्ट 40 इयर्स से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। अभी तक पंजाबी और हिंदी कुछ फिल्मों में, जैसे सन ऑफ सरदार, मस्त गंगाना, बहुत सारी अपने एक का पावर ओपन, इस तरह की हिंदी फिल्म भी काफ़ी सराहत पार, और पंजाबी फिल्म भी ऑलमोस्ट 100 से पार है। तो इस वक्त हम लोग जो नई फिल्म बनाने जा रहे हैं, ये भगड़ साहब के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है, इसमें ट्रैवल एजेंट फिल्म है और बलजिंदर सिद्धू जी की डायरेक्शन है। बड़े अच्छे से ये टीम तैयार हुई है, हमारे प्रोड्यूसर साहब इतने अच्छे हैं, उनका बिजनेस बहुत अच्छा है, वो बड़ा अच्छा एक मैसेज देना चाहते हैं सोसाइटी को। जैसे कि माल साहब ने बताया है कि ड्यू टू सम रीजंस एक बोर्ड सी चल पड़ी है पंजाब में, से लोग बच्चे जो हमारा इंटेलिजेंशिया ग्रुप है वो माइग्रेट होता जा रहा है दूसरे कंट्रीज में, स्पेशली टू कैनेडा। तो इसके ज़रिए हम उनको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लियाकत को लेकर ब्रेन स्ट्रेन मत होइए और यहाँ वापस आइए, ताकि हमारा पंजाब फिर से वैसे का वैसा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जो एक मुकुट है वो फिर से तैयार हो जाए, फिर से वो बन जाए, फिर से वही खुशहाली आ जाए, वही रंग रूप रंगीला पंजाब, रंगला पंजाब हो जाए। आई होप इसमें आप लोग, मीडिया की बहुत बड़ी पावर होती है, आप लोग भी हमारा साथ देंगे ताकि इसका जो पॉजिटिव साइड है हम लोगों को बता सकें, जो जाने की यहाँ से होड़ लगी हुई है उसको रोक सकें। सो थैंक यू वेरी मच कि हम सब मिलके इस चीज़ में, इस मिशन में हम कामयाब हो जाएं। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आप इस फिल्म में क्या किरदार कर रहे हैं? सत श्री अकाल, मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम 60 साल से हूँ और मैंने हर रंग की फिल्म की है, हिंदी से लेके मलयालम से लेके पंजाबी फिल्में, और ये फिल्म कुछ हट के बन रही है। इसकी एक नई स्टोरी है, जो पंजाब आज डूब चुका है, जो पंजाब के अंदर जो पूरा खाली हो चुका है, उस पंजाब को वापस भरने के लिए, उसको उसके अंदर एक रंग भरने के लिए ये बड़ी खूबसूरत फिल्म बन रही है। और मैं मोहन भगड़ साहब का छोटा भाई भी हूँ और उनका दोस्त भी हूँ, और ये सोनू भगड़ बहुत ही टैलेंटेड और बहुत जबरदस्त एक्टर है। आप इनको मिलकर आपको बड़ी खुशी होगी, और मैं प्रोड्यूसर साहब को और डायरेक्टर साहब को और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ इस फिल्म के लिए। गिव मी बिग हैंड टू एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। अभी बकर साहब आएंगे तो बकर साहब के साथ में आप अपने हिसाब से
और जो प्रोड्यूसर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, उनकी आपने सबने इंटरव्यू ले ली है। अब बगड़ साहब की वेट कर रहे हैं, जैसे बगड़ साहब आएंगे तो आप उनके साथ बैठकर उनके बारे और उनकी फिल्म के बारे और इस फिल्म के बारे पूछेगा, वो आपको जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। अरे पिक्चर के बारे में तो डायरेक्टर साहब बताएंगे सर, नहीं आपने कुछ बताया। नदीम साहब का अपना कंट्रीब्यूशन जो इस फिल्म इंडस्ट्री में है, नितिन साहब वो बताएंगे। चलिए, तो ऐसा है, पिक्चर शूट होगी मेनली उत्तराखंड में और चंडीगढ़, जलंधर, और सोनू बग्गड़ इसके हीरो है और बलजिंदर सिंह डायरेक्टर। ये पिक्चर टोटल पंजाबी पिक्चर, शायद सोनू बग्गड़ की सेकंड फिल्म है, और बाकी का जो है कहानी वगैरह तो सब डायरेक्टर साहब ही बताएंगे। बग्गड़ जी फाइट मास्टर है। आगे आगे आइए सर, एक सेकेंड, पापा के बोलने से पहले मैं जो भी कुछ हूँ इनके बदौलत हूँ, ठीक है? अच्छा, मैं भी हूँ। कितना एक्साइटेड भी हो जो आपके पापा एक्शन मास्टर है और उनके थ्रू काफी सारे लेट भी आए, लेकिन औरत कम लोग होता है इतने सारे लेजेंड आते हैं, क्या बोला है? तो इतने लेजेंड्स यहाँ पे आए हैं, जाहिर सी बात है मेरे फादर साहब बहुत साल हो गए उनको इंडस्ट्री में, उनका गुडविल है, तो उस वजह से बहुत अच्छा मुहूर्त हो गया हमारा, काफी लोग आए थे। बाकी थैंक यू सो मच। आपके बेटे सोनू बग्गड़ की लॉन्च हो रहा है, हां जी हो रही है, क्या कर सकते हैं? मैं बहुत खुश हूं आज। कहानी बहुत अच्छी है, तो मैंने सुनी है आजकल जो पंजाब में होता है, लड़कियां लड़के पंजाब से चले जाते हैं बाहर, उनके ऊपर ये है कहानी, तो ये हर घर में यही चक्कर है, पैसा बर्बाद करके जाते हैं, ये जरूर पिक्चर देखना, इसमें आपको सब मिलेगा, बाकी इसमें एक्शन है, गाने हैं, सब कुछ है। और थैंक यू थैंक यू।